होगा इस समय। एक बार फिर से भजन बिक्री का आयोजन किया जा रहा है, उसके रिकॉर्डिंग करता है देविकर देशवाल बुढ़िया के झूमर से ढोलक की संगति दे रहे हैं, गुड्डू भाई सोनेरा से पेड़ की झनकार सुना रहे हैं, प्रेम सिंह सोगरवाल उबार नंगला खंगर से, और वो आप साहब जानेंगे चौधरी जल सिंह और भटावली से। सुनिए सज्जनों, बड़ा ही आनंद आ रहा है सरदारों, एक से भर के एक कलाकार आपके प्रोग्राम में, और दमखम के साथ में हर गाने वाला आ ही रहा है सज्जनों। लेकिन सुनिए, कभी कहता है क्या, तो पंचों मेरे लगे जरा सी, क्योंकि आज कैसो समय हमारी सरदारी ये कई फर्श पे बड़े प्यार के बीड़ी पी रही है, और कल वो समय आवेगा क्या स्कूल में या प्रांगण में धुए गैया पाएंगे, क्यों जी, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान बताया, और आज समय कैसो है, रोड पे गैया ढोल लेंगे विचार ढोल ले, पर इनकी सुनवाई कोई ना कर रो, किसान परेशान, और कहा है कैसे, अरे श्याम जी कब तक रोके, तारो महंगो है गो सरदारों, क्षेत्र में मुड्डी पे मुड्डी घड़ रही है, अरे श्याम जी कब तक रोके, और रस्सी तार के डाटन दे, और बीच में किसान रोगा कैसे फसल बचे इंसान। सजनों, प्रसंग मेरा वही
जो कि मैं प्रथम दौर पर गा रहा था बंधु। आज गांधी धारियों के सामने छोटा सा छोरा सुधनवा है, रथ पर विराजमान है गो, ये कई तीर छोड़ो, अर्जुन की सेना में खलबली मच गई। आह सज्जनों, सुधनवा ने कहा ए वीर, तमाशो का देख रो, धनुष क्यों नहीं उठाता। आह सज्जनों, जब गांडीवधारी अर्जुन ने इतने शब्द सुने, क्रोध में आए गो, और सुनो सज्जनों, धनुष हाथ में ले लियो और आगे सुनो होता क्या है। अरे कर टंकोर बाण बरसाए अंधकार को छायो, सुनिए। अरे तेरे बाहे हाथ कापे
भैया शीशा मेरो काटे। अर्जुन को महसूस हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है और ये जरूर तेरी जाने लेगा। लेकिन सजना नारी एक है, कवि ने अंतर बताया और ये 50 रुपया कलुआ पहलवान जी दे रहे, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और कहा है अरे एक नार वह है नार नीचे को नवा के ही चले, एक नार पत्र की बजावे दावेदारी है। और एक नार वह है जाते पैदा भय नारायण, एक नार वह है जग में नाक कटवाई है, एक नार वह है जान यमते लड़ाई लड़ी, एक नार वह है गोली सीना बखाई है, एक नार वह है जो की कोठे बवास करे, एक नार वह है जो की कोठे बवास करे, एक नार जगो में सावित्री कहलाई है। आज देखो सज्जनों जवाई कृष्ण कन्हैया रुक्मणी के साथ में सार फांसे खेल रहे थे और इतकु अर्जुन उतर गया रथ पे थे और दुहाई लगा रहे हे मेरे कन्हैया। तो देखिए सज्जनों आगे होता क्या है। सुधनवा को बाल बांको अर्जुन ना कर सके
और नहीं तो मुकाबलो कर ना सके अर्जुन। आह सजनो कन्हैया आए, छोरा ने जाके चरण स्पर्श करे आशीर्वाद दे दियो। दंडवत प्रणाम, गांडीवधारी अर्जुन ने खड़े हो आशीर्वाद दे दियो और पिताजी से कहा, पिताजी मैंने क्या कहा था कि घोड़ा ने हरेगा तो अर्जुन अवश्य आवेगा और अर्जुन आवेगा तो कन्हैया आवेगा। तो जाइए पिताजी, जी भर के दर्शन कीजिए कन्हैया वो खड़े। आह सजना, छोरा ने कही है महारथी अब तो तेरे कन्हैया आएगे, अब तुए कौन बचावेगा। आह सजना, जब इतने वचन सुने गांडीवधारी अर्जुन क्रोध में आ गयो, पर सुनाए बच्चे अपनी जीभ को लगाम दे। और देखिए अर्जुन ने क्या करे हो, यरे ले तीन बार को प्रण है मेरो और लाला तो कू समझाऊ और जो नहीं काटू शीश में तेरो अग्न भस्म में। पुराने जमाने में
हर गांव के अंदर अथैया चौपाल हुआ करती थी। आज तो ना रही कोई एक ऐसे गांव में पावेगी। पंच विराजमान थे भगवान शिव शंकर पार्वती, ब्रह्मांड में होकर के गुजर रहे थे। जैसी दृष्टि डाली चौपाल पर, पंच अपना फैसला कर रहे थे। भगवान शिव शंकर ने अपनो शीश नवाए दियो। पार्वती ने कही, स्वामी ये तुमने कहा करो ना, तुझ लोगों के लिए आपने शीश नवाए दियो। पाने तू नहीं जानती वास्तविक न्याय धर्म का न्याय होता है। दो मिनट से ऐसे भैया, दो मिनट ये कही है साहब। राम राम साहब, बताओ कोई दिक्कत ना है वो तो सब। अब अजय नहीं सुना रहा हूं साहब, एक और पंक्ति और मेरा समय है जाएगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन शपथ लेने से पहले तूने मुझको पूछा क्यों नहीं, और क्या कहा? यारे मधुसूदन और बच्चा नहीं वो चारे तेरे, अरे जो न तने बाद रखारे। और वो बिन पूछे प्रलट दियो और तने जरा ध्यान ना दियो। आप तो कन्हैया की आ गई, अर्जुन तेरी सहायता करूं तो मेरी आप है, और बच्चे की सहायता करूं मैं आशीर्वाद दे के बैठू याकू, और तेनू कसम मेरी खाइये और या छोरा नू कसम मेरी खाइये, मरवो तो मेरो आएगो। और मुए बिन पूछे प्रण कियो तेने जरा ध्यान ना दियो। और क्या कहा?